साधारण काष्ठ नहीं है तुलसी की माला। वैष्णव चिन्ह से भी बहुत ऊंचा स्थान है तुलसी देवी का। कविवर रसखान अपने गले में असंख्य तुलसी मालाओं को धारण किए रहते थे। एक बार किसी ने रसखान जी से पूछा, महाराज आप इतनी अधिक काष्ठ मालाएं क्यों पहने रहते हैं? रसखान जी का उत्तर, मैं नीच कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं नहीं जानता पाप क्या है, लेकिन इतना मैंने संतों से सुना है कि तुलसी की यह माला साधारण काष्ठ की माला नहीं है, यह मेरा भी बेड़ा पार कर देगी और मेरे कुल का भी बेड़ा पार होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मुझे यह जानने में अब बहुत देर हो गई है कि पाप का उपाय क्या है, लेकिन यह साधारण सा उपाय तो मैं कर ही सकता हूँ, इसीलिए मैं इतना ब्रह्मा काष्ठ धारण किए रहता हूँ। कल्याणी ब्रह्म काष्ठ है तुलसी की माला। कल्याणी इसलिए कि यह जगत का कल्याण करती है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शोभा है, प्रिया है। तुलसी की माला पहनकर घर पर साधारण स्नान करने वालों को तमाम तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। यदि मृत्यु के समय गले में तुलसी की माला का एक मनका भी है तो सुनिश्चित है कि यमदूत अपने साथ नहीं ले जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के दूत साथ ले जाएंगे। तुलसी माला को अवश्य धारण करें।